अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम माइस्टेक। दोस्तों, टेक न्यूज़ की नई एपिसोड, बल्कि थोड़ी से लेट हो गए टेक न्यूज़ पर। पिछले दिनों काफ़ी पाकिस्तान में फ़ोन लॉन्च हुए, काफ़ी कवरेज करनी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा कुछ मोबाइल मार्केट गर्म रही। जी हाँ दोस्तों, एक नई टेक न्यूज़ के साथ आपको हम वेलकम कहते हैं और आज की टेक न्यूज़ का भी लाइक आपकी तरफ से अनलिमिटेड होने वाला है। बहुत प्यार मिलता है टेक न्यूज़ पर आपकी तरफ से, और टेक न्यूज़ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कुछ ना कुछ गिव अवे लेके आते हैं। तो आज की टेक न्यूज़ में हम दो गिव अवे को करेंगे। तो यहाँ पहला गिव अवे होगा इस पबजी ट्रिगर का। अभी ट्रिगर पैड है ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना किसी पबजी प्लेयर को दे दिया जाए और जो पबजी खेलता है वो पबजी का ही नीचे कमेंट करेगा। और यहाँ लास्ट स्पीकर बच चुका है ऑनर का। ऑनर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नया देखने को तो नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर ऑनर का स्पीकर हम गिव अवे करेंगे और ये ब्लूटूथ स्पीकर आखिरी पीस है, इसके बाद शायद आपको किसी भी गिव अवे में देखने को ना मिले। आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल करना है सब्सक्राइब और नीचे करना है कमेंट। अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, स्टार्ट कर लेते हैं टेक न्यूज़ की बात को। तो सबसे पहली टेक न्यूज़ निकल कर आती है होंडा एटलस की तरफ से। अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे, यार अली भाई टेक्निकल चैनल न्यूज़ आप मोटरसाइकिल का डाल रहे हैं, तो भाई बेसिकली टेक्नोलॉजी से ही मोटरसाइकिल बनती है। तो यहाँ न्यूज़ को इंक्लूड कर लेते हैं। एटलस होंडा की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि होंडा अब CD70, CD125 और CG125, इस तरह के सारे जो भी मोटरसाइकिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दो महीने में फिर से इसका रेट इंक्रीज़ करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ नई प्राइस इसको लगाया गया है। अब आपको CD70 कुछ 75,500 की रेंज में देखने को मिलेगी, CD70 ड्रीम कुछ आपको 79,500 की रेंज में देखने को मिल जाएगी। इसी तरह आपको प्राइडर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 115,000 के राउंड अबाउट। 125 की प्राइस को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है और यहाँ 17% टैक्स को बढ़ाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस को कुछ इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि होंडा की बाइक चलाते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या इस इम्प्लीमेंट से आप खुश भी हैं कि नहीं खुश हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लें तो अगली न्यूज़ निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से। अब ये सैमसंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, सैमसंग इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से है। सैमसंग ने सोचा कि यार फ़ोन में तो बिज़नेस ज़रा स्लो होता जा रहा है मिड रेंज सेगमेंट में, क्यों ना यहाँ पर कुछ नई चीज़ों को लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने अनाउंस कर दी है अपनी 12 GB की रैम और UFS 3.0 का स्टोरेज, जो कि अपने मिड रेंज के फ़ोन्स के अंदर सैमसंग इम्प्लीमेंट करेगा और हो सकता है बाकी भी मोबाइल कंपनीज़ को सेल आउट करे। और ये 2020 में जो 2020 में नेक्स्ट ईयर जो आपको पहले क्वार्टर में फ़ोन देखने को मिलेंगे, कुछ मिड रेंज सेगमेंट में ये आपको कॉम्बो देखने को मिलेगा जिसमें 12 GB रैम, UFS 3.0 का आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। एक अच्छा इंप्लीमेंट है सैमसंग की तरफ से, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो सैमसंग की मिड रेंज जो है ना वो 70-80 हज़ार हो जाती है, और मेरे हिसाब से ये मिड रेंज नहीं है, ये मिड प्रीमियम रेंज है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, 12 GB रैम देखने को मिल जाएगा। अब बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं ये भी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ की। जी हाँ दोस्तों, अगली न्यूज़ वीवो की तरफ से निकल कर आती है। अब इस महीने मैं सोच रहा था काफ़ी सारे ब्रांड्स ने काफ़ी सारे फ़ोन्स को लॉन्च किया है, वीवो की तरफ से V17 Pro आ गया, अब कुछ 2-3 महीने सुकून रहेगा, लेकिन इन ब्रांड्स को बिल्कुल भी सुकून नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर 2 या 3 महीने में कुछ नए फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। Vivo S1 इस टाइम पाकिस्तान का मिड रेंज का सबसे बेस्ट फ़ोन बन चुका है, बेस्ट सेलिंग फ़ोन बन चुका है। जब से 4 GB 128 GB के साथ कुछ प्राइस अग्रेसिव रखी गई है, हर दूसरा पर्सन जो है वो Vivo S1 को यूज़ कर रहा है, लेकिन Vivo यहाँ Vivo S1 से नहीं गुजारा करेगा। Vivo अब S सीरीज़ का एक सक्सेसर लेके आने वाला है जिसका नाम होगा Vivo S5। नवंबर के महीने में Vivo S5 को Vivo लॉन्च करने जा रहा है चाइना में, और यहाँ कुछ ट्रेलर या एक वीडियो टीज़र की गई है Vivo S5 की लॉन्चिंग की। और Vivo S5 की अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये कुछ चाइनीज़ बच्चा है जो उनका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, और इसके हाथ में आप देख रहे होंगे कि कुछ डायमंड, आपको रियर साइड पर डायमंड कैमरा फ्रेम देखने को मिल रहा है। अब Vivo S5 की क्या स्पेसिफिकेशन रखी जाती है, क्या अट्रैक्शन रखी जाती है, क्या प्राइस रखी जाती है, ये भी हमें नवंबर के महीने में क्लियर हो जाएगा। अगली न्यूज़ की बात कर लें तो जी हाँ दोस्तों, Realme XE को यार आप लोगों ने काफ़ी धो दिया भाई, हो जाएगा रेट, हो जाएगा, सब्र रखो, कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अब Realme वाले जो है वो कुछ कंसीडर कर रहे हैं कि Realme XE का कोई लोअर वेरिएंट लाया जाए या कुछ प्राइस को भी फ्लैक्चुएट किया जाए, लेकिन फिर भी आपको ऑफलाइन मार्केट में कुछ 50 का फिगर Realme XE का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी डिस्काउंट मिलता है Realme, ओप्पो और वीवो के फ़ोन्स में। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मार्केट में कुछ 50 के फिगर के राउंड अबाउट आपको Realme XE की प्राइस देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ इसको और भी नीचे किया जाएगा। मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, लेकिन मैं ये न्यूज़ नहीं देने आया, न्यूज़ यहाँ देने आया हूँ कि Realme की तरफ से Realme 5 Pro और Realme XT में OTA अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। कुछ रीजन
वर्जन में इसको कर दिया गया है, कुछ फोन्स में आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल पर वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ मैक्रो सेंसर की वीडियो रिकॉर्डिंग और कुछ आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा रियलमी 5 प्रो में। एक अच्छी बात है रियलमी की तरफ से कि रियलमी थोड़ा सा टाइम गुजारते ही कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता है, नए नए फीचर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लाता रहता है, जो कि हमें ओप्पो के कम फोन में देखने को मिलती है, वीवो के कम फोन में देखने को मिलती है। तो रियलमी को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि रियलमी XT की जो प्राइस है उसको कंसीडर करना चाहिए। हम अपनी अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल कर आती है ऑनर की तरफ से। अब ऑनर 9X का कितने लोग वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट ऑनर 9X को लेके यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है कि चाइना में जो मज़े लेने थे चाइनीज़ ने वो ले लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको किरण 810 देखने को मिलता था, बट ग्लोबली वेरिएंट में किरण 710F जो कि Y9 प्राइम 2019 में देखने को मिला, और वहाँ आपको चाइनीज़ वेरिएंट में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर माउंट मिलता था, लेकिन ग्लोबल वेरिएंट पे ऑनर 9X के रियर पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी वही पॉपअप सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, रियर पर 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 4000mAh की बैटरी, टाइप सी की कनेक्टिविटी रखी गई है। अब पाकिस्तान ऑनर की बात करें, ऑनर पाकिस्तान की बात करें, तो अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया जा रहा कि आपको ऑनर 9X पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ऑनर इनोवी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आता था और इस टाइम इनोवी टेक्नोलॉजीज जो है वो अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को फारिग कर चुकी है, जॉब से निकाल चुकी है। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि ऑनर पाकिस्तान में ज़िंदा रहे, क्योंकि ऑनर एक ऐसा ब्रांड था जो कि मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांड रहा। अब आपकी क्या राय है ऑनर के बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अगली न्यूज़ को इंक्लूड कर लेते हैं, तो अगली न्यूज़ निकल कर आती है ऑनर की पेरेंट कंपनी की तरफ से। या दोस्तों, हुआवे की तरफ से भी हमें नवंबर के महीने में एक डिवाइस देखने को मिलेगी, Y9S। नाम को कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन रैम को कंफर्म कर दिया गया है, रोम को कंफर्म अभी तक नहीं किया गया। 6GB वाला वेरियंट होगा, कुछ बेजरलेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, शायद आपको ऑनर 9X जो कि ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च किया गया, शायद इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन अभी तक स्पेसिफिकेशन को कंफर्म नहीं किया गया। 5 तारीख तक कंफर्म कर दिया जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। अब इस फोन की जो प्राइस रखी गई है उसको राउंड अबाउट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, 40,000 के राउंड अबाउट रखी गई है, लेकिन अगर किरण 710F इस रेंज के अंदर आता है तो सीरियसली ये बड़ी ज्यादती होगी हुआवे की तरफ से कि आप एक बहुत पुराना प्रोसेसर एक 40,000 रुपये की रेंज में लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 712, जहाँ पर हमें जीलियो G92 रेडमी नोटेड प्रो में मिल रहा है, वहीं आप अपना एक ऐसा प्रोसेसर लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल भी इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। अब आपकी क्या राय है हुआवे Y9S के बारे में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके जी दोस्तों, अपनी फाइनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो फाइनल न्यूज़ अब पाकिस्तान के भी ऐसे फेमस ब्रांड की तरफ से निकल कर आ रही है, Xiaomi की तरफ से, जिसको पहले कुछ भी नहीं जानते थे लोग, पहले डीलर्स भी कहते थे यार इसकी रीसेल नहीं है, और अब पैसे लेके बैठे हैं Redmi Noted Pro का स्टॉक लेने के लिए, लेकिन स्टॉक स्टिल शॉर्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी Redmi Noted Pro ने क्लीन मार्केट को स्वीप आउट कर दिया, लेकिन Xiaomi यहां भी नहीं रुक रहा। जी हां दोस्तों, Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर 3 या 4 महीने में नई नई चीज़ें लेके आता रहता है। अब Xiaomi की तरफ से 5 नवंबर को लॉन्च किया जा रहा है Mi 9cc Pro को। जी हाँ दोस्तों, मैं 9cc Pro की बात करने नहीं आया, यहां Xiaomi ने साथ ही टीज किया है Mi Note 10 को, या Redmi सीरीज के फोन को कंफर्म नहीं किया जा रहा, Mi Note 10 को कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन यहां कुछ ट्वीट्स निकल कर आते हैं कि Mi Note 10 और Note 10 Pro को कंफर्म किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी Xiaomi एक दफा फिर ग्लोबल मार्केट को इन फोन से डिस्टर्ब करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, Mi Note 10 की अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, 6GB का रैम, UFS 2.1 का आपको स्टोरेज, 128GB का स्टोरेज मिलेगा, और रियर पर कुछ आपको 5 कैमराज देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन सेंसर यहाँ पर दुनिया का पहला फोन होगा जो कि 108 मेगापिक्सल एक मिड रेंज सेगमेंट में आने वाला है, मिड अपर रेंज सेगमेंट में आने वाला है। सैमसंग ISOCELL का आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, अल्ट्रा वाइड सेंसर कुछ 20 मेगापिक्सल का आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट शॉट्स को क्लीन स्वीप आउट करने वाला है। यहाँ आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा और कुछ तीसरा सेंसर, ट्रांसफर ऑफ लाइट वाला सेंसर, यहाँ मतलब कोई भी ऐसा सेंसर लगाया जाएगा रियर साइड पर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा Mi Note 10 में, लेकिन अगर Note 10 Pro की बात की जाए तो ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन ये 90Hz रिफ्रेश रेट पर चलने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ Xiaomi भी 90Hz की रेस में आने वाला है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Snapdragon 855 प्लस वाला प्रोसेसर, जो कि रिसेंटली अभी Snapdragon की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इसको अपने फ्लैगशिप लेवल पर लेके आ रहे हैं, जैसा कि अभी Realme की तरफ से X2 Pro देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, 6GB का रैम होगा, 128GB का
रोम होगा, लेकिन यहाँ पर 2.1 UFS नहीं होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा UFS 3.0 का स्टोरेज। यहाँ दोस्तों अगर बात कर लीजिए कैमराज की, तो यहाँ भी रियर पर 5 कैमराज होंगे, सेम स्पेसिफिकेशन होगी जैसा कि आपको Note 10 में मिलेगी, बस यहाँ पर ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर जो होगा, टेलीफोटो लेंस होगा, उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, 5x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, 50x आपको हाइब्रिड जूम देखने को मिलेगा, मतलब आपको ये फोन जो है वो किलर देखने को मिलेगा। अगर बात कर ली जाए सेल्फी की, तो Note 10 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ स्क्रीन को कंफर्म नहीं किया गया कि बेजललेस डिस्प्ले होगा, नॉच वाला डिस्प्ले होगा, या यहाँ पर हमें कुछ नई चीज Xiaomi की तरफ से देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ये 5 नवंबर को क्लियर आउट हो जाएगा MI 9 CC Pro की लॉन्च पर कि क्या निकल कर आती हैं स्पेसिफिकेशन, जस्ट ये लीक्स और रूमर्स है जो मैंने आपको कंफर्म किया। और अगर ये फोन पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं तो जी दोस्तों MI Note 10 की प्राइस कुछ 60 से 65 हज़ार अगर हुई तो ये क्लीन से क्लीन स्वीप आउट करेगा सारी मार्केट के जितने भी इस टाइम फोन चल रहे हैं मार्केट में। अब क्या होता है पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि Xiaomi अब प्रिंसिपल पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं ये भी इन फ्यूचर हमें नजर आ जाएगा, और आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। बस आज की टेक न्यूज़ में इतना, उम्मीद करता हूं आपको मेरी टेक न्यूज पसंद आई होगी। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नई टेक न्यूज के साथ, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिए बात मास्टर से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।